देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे भगवान शिव के प्रिय माह सावन के, जिसके चलते आज शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्री सिद्ध क्षेत्र जागेश्वरनाथ धाम बालकपुर में हजारों की तादाद में भक्त सुबह से पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन का पालन मंदिर के अंदर किया जा रहा है, एक बार में 6 से अधिक भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाता। अपनी बारी का इंतजार भक्तों को करना पड़ रहा है, काफ़ी लंबी लंबी कतारें हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद लोगों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन सावन के महीने में हो रहे हैं। गत वर्षों में लॉकडाउन रहा, जिसके चलते दर्शन नहीं हो पाए। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात है, केवल दूर से दर्शन हो सकते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का मेला है, मंदिर परिसर में भीड़ भी नजर आ रही है। लगातार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का विशेष अभिषेक किया जाता है। दूध दही घी शक्कर शहद बेलपत्री के साथ धतूरा एवं भांग भी चढ़ाई जाती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह से पूजन अर्चन भगवान शिव के भक्त कर रहे हैं। काफ़ी तादाद में भक्त यहां पहुंचे हैं, जो भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। भोलेनाथ की आराधना के बाद माँ भगवती के दर्शन करते हैं, श्री राम दरबार के दर्शन करते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। इसके अलावा जो अन्य मंदिर है वहाँ पर भी जाकर दर्शन करते हैं। जागेश्वरनाथ धाम की मान्यता 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में है, जिसके चलते यहाँ पर सावन के महीने में विशेष महत्व है दर्शन का और विशेष भीड़ भी नजर आ रही है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया।